हेलो एवरीवन, आज हम प्राइमरी सेल को डिस्कस करने वाले के बारे में। प्राइमरी सेल जो है वो क्या कहलाता है? तो ऐसा सेल जिसका आप रीयूज नहीं कर सकते, मतलब जिसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते, तो ऐसे सेल को हम प्राइमरी सेल बोलते हैं। मतलब कि ये सेल एक बार डिस्चार्ज हो जाए तो दोबारा चार्ज नहीं होगा, और अगर दोबारा चार्ज नहीं होगा तो आप उसको दोबारा यूज नहीं कर पाओगे। इसका मतलब है कि ये सेल जो है हमारे कैसे हैं, यूज एंड थ्रो वाले सेल हैं। आपने यूज किया और उनको फेंक दिया, फिर वो किसी काम के नहीं है, तो ऐसे सेल हमारे प्राइमरी सेल कहलाते हैं। तो इसमें हमारा आता है ड्राई सेल, जिसको कि हम लेक्लांसी सेल बोलते हैं। सेकंड सेल है हमारा मर्करी सेल, जिसको कि हम बटन सेल बोलते हैं। तो आइए इनकी वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। ड्राई सेल को डिस्कस करेंगे। हमारा ड्राई सेल जो है वो क्या कहलाता है? ड्राई सेल को हम लेक्लांसी सेल बोलते हैं। तो ये हमारा ड्राई सेल है। इस ड्राई सेल का जो एनोड है वो जिंक का बना होता है। मतलब इस सेल का जो कवर है वो किससे बना है? वो जिंक से बना है। और कैथोड जो है वो ग्रेफाइट का होता है, और ग्रेफाइट रॉड जो है वो सराउंडेड होती है किससे? मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन ब्लैक से सराउंडेड होती है। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, पेस्ट यूज करते हैं, मॉइस्ट पेस्ट यूज करते हैं, अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड का। ड्राई सेल और लेक्लांसी सेल जो है वो हमारे प्राइमरी सेल के एग्जाम्पल है। इसको हमने प्राइमरी सेल क्यों बोला? क्योंकि आपने एक बार ड्राई सेल का यूज कर लिया, आप इसको दोबारा यूज नहीं कर पाओगे। मतलब ये रीयूजेबल नहीं है। एक बार ये डिस्चार्ज हो गया, मतलब ये परमानेंटली डिस्चार्ज हो गया, अब ये डेड हो गया। तो बताएंगे ये डेड क्यों हो जाता है? तो देखो जरा, इसकी केमिकल रिएक्शन से हम समझेंगे कि ये डेड क्यों हो जाता है। तो जो भी हमारे बैटरी होती है उसमें जो केमिकल रिएक्शन होती है वो रिडॉक्स नेचर की होती है। यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे जो है वो रिडक्शन होगा। तो देखते हैं एनोड पे ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है। तो अगर हम एनोड की रिएक्शन देखें तो एनोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब जिंक जो कंटेनर है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो ये दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो क्या बनता है? जिंक डाइपॉजिटिव आयन बनता है। ठीक है, इसका मतलब है कि एनोड हमारा जो जिंक कंटेनर का है वो क्या हो रहा है? वो कोरोड हो रहा है, उसका कोरोजन हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। अगर हम कैथोड रिएक्शन देखें तो कैथोड पे रिडक्शन होगा, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर केमिकल रिएक्शन में हो रहा है तो वो रिएक्शन हमारी क्या होती है? वो रिडॉक्स नेचर की होती है। तो देखो जरा, कैथोड पे क्या होता है? ये जो हमारा मैंगनीज डाइऑक्साइड है, ये जो है वो क्या होगा? रिड्यूस होगा। कैसे रिड्यूस होगा? देखो जरा, ये जिंक डाइपॉजिटिव बना, जिंक मेटल ने दो इलेक्ट्रॉन को लूज किए तो जिंक डाइपॉजिटिव बना। जिंक डाइपॉजिटिव कहाँ आएगा? ये सॉल्यूशन में आएगा, इलेक्ट्रोलाइट में आएगा। ये क्या करेगा? जिंक डाइपॉजिटिव जो है वो क्या करता है? NH4Cl से रिएक्ट करता है, क्या बनाता है? जिंक क्लोराइड बन जाता है और NH4+ आयन बनता है, अमोनियम आयन बनता है। ठीक है ना? तो यहां पे NH4+ आयन होगा, कितने हैं? दो, और दो इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब होंगे तभी रिडक्शन रिएक्शन होगी। तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है, तो यहां पे बनता है MnOOH। ठीक है, और क्या बनता है? NH3, राइट। तो यहां पे मैग्नीज जो है वो +4 में था, अब मैग्नीज जो है वो कितना हो गया? +3 हो गया। मतलब यहां पे रिडक्शन हो गया। जिंक यहां 0 में था, जिंक +2 में चला गया, मतलब यहां पे ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो पूरी रिएक्शन हमारी कैसी होगी? वो रिडॉक्स नेचर की होगी। अब देखो जरा, अब आप सोच रहे होगे कि ये जो अमोनिया है वो क्या है? वो गैसियस फॉर्म में है? तो बिल्कुल नहीं है। तो देखो जरा, यहाँ पे एनोड का कोरोजन हो रहा था, यहाँ पे कैथोड भी हमारा कोरोड हो रहा है। MnO2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? MnOOH में कन्वर्ट हो रहा है, तो MnO2 भी कोरोड हो रहा है। अब इलेक्ट्रोलाइट देखो क्या हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइट में ये जो हमारा जिंक क्लोराइड है, ये क्या हो रहा है? 4 अमोनिया से रिएक्ट करके क्या बना रहा है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ZnNH3O4 और ये Cl2 है, तो यहां पे हमारा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो बन रहा है। तो देखो जरा, एनोड हमारा कोरोड हुआ, कैथोड हमारा कोरोड हुआ, और इलेक्ट्रोलाइट भी क्या हो गया? वो कोरोड हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइट भी क्या हो रहा है? वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। अमोनियम क्लोराइड का अमोनिया और जिंक क्लोराइड इसमें कन्वर्ट हो रहा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। तो जब एनोड का कोरोजन हो रहा है, कैथोड का कोरोजन हो रहा है, और इलेक्ट्रोलाइट भी हमारा डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो इसका मतलब है कि एक बार आपने इस सेल से करंट प्रोड्यूस कर लिया,
और ये सेल जो है वो क्या हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम ये डेड हो जाएगा, और डेड हो गया तो आप इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये रिचार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं रिचार्ज होगा? क्योंकि यहाँ जितने भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो सब के सब क्या हो रहा है, वो खत्म हो रहे हैं, उनकी लाइफ जो है वो खत्म हो रही है। तो ये जो सेल है वो हमको वोल्टेज देता है, कितना देता है, 1.25 to 1.5 वोल्ट, इतना वोल्टेज जो है वो हमको देता है। तो ड्राई सेल का हम यूज जो है वो कहाँ करते हैं, इसका यूज आप देखते हो घड़ी में हम यूज करते हैं, इससे बड़ा जो सेल होता है उसका यूज जो है वो हम ट्रांजिस्टर में करते हैं, ठीक है। तो ये ड्राई सेल के यूज हो गए। तो अभी हमारी ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस नहीं है, तो इसको हम थोड़ा सा बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे ये टू कर दो, ये टू कर दो, तो ये इक्वेशन हमारी जो है वो बैलेंस हो जाएगी। तो ये हमारा ड्राई सेल हो गया लेक्लांसी। आज हम मर्करी सेल की बात करते हैं, मर्करी सेल को ही हम बटन सेल बोलते हैं। तो ये हमारा बटन सेल है, आज हम इस बटन सेल की ही बात करने वाले हैं। तो बटन सेल में जो एनोड होता है वो जिंक अमलगम का होता है, कैथोड जो है वो पेस्ट ऑफ मर्करी ऑक्साइड एंड कार्बन का होता है, इलेक्ट्रोलाइट हम यहाँ पे यूज करते हैं पेस्ट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। तो ये तो हमारे मटेरियल हो गए। अब कोई भी बैटरी होती है, आपको पता है कि वहां पे जो केमिकल रिएक्शन होती है वो कैसे होती है, वो डिटॉक्स नेचर की होती है। तो ये भी हमारी एक बैटरी है, ये प्राइमरी सेल है, और यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, वो भी हमारी कैसी होगी, डिटॉक्स नेचर की होगी। तो आइए देखते हैं कि एनोड एंड कैथोड पे रिएक्शन जो है वो कैसी हो रही है। तो बटन सेल जो है वो हमारा एक प्राइमरी सेल होता है, एक बार आपने इसका यूज कर लिया तो आप इसका दोबारा यूज नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा रिचार्जेबल नहीं है। तो ये रिचार्जेबल क्यों नहीं है, इसको भी हम समझाएंगे। तो देखो जरा, सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं, तो एनोड रिएक्शन देख लेते हैं। तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पे क्या होगा, वो रिडक्शन होगा। तो अगर एक केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, इसका मतलब है कि वो हमारी रिडक्शन रिएक्शन होगी। तो एनोड रिएक्शन पे क्या होगा, तो एनोड तो हमारा ये है, तो ऑक्सीडेशन होगा, मतलब कि ये जिंक जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करके जिंक आयन बनाएगा। तो देखो जरा, जिंक जो है वो दो इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बनाता है, जिंक डाई पॉजिटिव बनाता है। अब जिंक जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देखो ये अल्कली है और ये हमारा एम्फोटेरिक मेटल है, तो अगर ये हमारा कैसा होता, एक्वस होता, तब तो रिएक्शन जो है वो कुछ और ही होने वाली थी। जिंक अगर ये KOH आपका कैसा होता, ये एक्वस होता, तो हमारा बनता K2ZnO2, पोटेशियम जिंकेट बनता और बनता हमारा H2O, ठीक है। तो ये तो एक स्पेशल रिएक्शन है, लेकिन चूंकि यहाँ पे हमने KOH को कैसा लिया है, पेस्ट के फॉर्म में लिया है, इस कारण ये वाली रिएक्शन तो नहीं होगी, ठीक है। फिर क्या होगा, तो देखो जरा, जिंक डाई पॉजिटिव बना। अब जिंक डाई पॉजिटिव, अब चूंकि ये पेस्ट फॉर्म में है तो OH नेगेटिव, ये फ्री नहीं है पूरे, तो क्या बनेगा, ये जिंक ऑक्साइड बनाएगा और बनाएगा H2O, ठीक है। तो एनोड की ओवरऑल रिएक्शन हम लिख लेते हैं, ये पॉजिटिव से ये पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, तो जिंक जो है वो 2OH नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन लूज करें आप उस तरफ ले जाओगे तो ये प्लस 2E हो जाएगा, है ना। तो ये जिंक ऑक्साइड और ये H2O और ये प्लस 2E नेगेटिव, आपको नहीं करना तो आप यहीं पे माइनस 2E नेगेटिव कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन कैसे हो गया, जिंक 0 से जिंक प्लस 2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया। अब देखो जरा, कैथोड रिएक्शन कैसे होती थी, तो एनोड की रिएक्शन हो गई, अब हम कैथोड रिएक्शन देखते हैं। तो हमारी कैथोड की रिएक्शन कैसे होगी, तो यहाँ पे तो हम इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, गेन करेंगे, तो यहाँ पे मर्करी ऑक्साइड है, ये क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है, गेन करेगा, तो ये क्या बनाएगा, मर्करी लिक्विड जो है वो बन जाएगा, और हमारा ये ओ माइनस टू बनेगा, ठीक है, और ये ओ माइनस टू एंड ये जो वाटर बना हुआ था यहाँ पे, ठीक है, ये वाटर फिर से यूज हो जाएगा, तो क्या बनाएगा, ये OH नेगेटिव हमको ये फिर से मिल जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन जो है वो हम लिख लेते हैं, तो देखो जरा, जो भी कॉमन है कैंसिल हो जाएगा, तो ये से हमारा ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये HGO प्लस 2E नेगेटिव प्लस H2O, ठीक है, ये अब प्रोडक्ट में क्या बचेगा, ये मर्करी बचा, ठीक है, और क्या, 2OH,
तो जो हमने एनोड पे OH नेगेटिव यूज किया था वो कैथोड पे हमको दोबारा से मिल गया। तो यहाँ पे हमारा रिडक्शन हो रहा है, तो ये यहाँ पे प्लस टू में था और ये जीरो में चला गया, तो ये रिडक्शन हो गया। तो कैथोड पे हमेशा कैसा होता है, रिडक्शन होता है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ये तो हमारी क्या हो गई, रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। और हमने बताया कि ये हमारा कैसा होता है, प्राइमरी सेल होता है। तो इसको हमने प्राइमरी सेल क्यों बोला, क्योंकि आपने इसको एक बार यूज कर लिया तो ये आप इस सेल को रीयूज नहीं कर सकते। रीजन क्या है, तो रीजन देखो यहाँ पे हमारा एनोड किसका है, जिंक का है, और जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है एनोड पे। ठीक है, मतलब कि पूरा का पूरा जिंक जो है आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपका जो कैथोड है वो किसका है, मर्करी ऑक्साइड का है, और मर्करी ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, मर्करी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि आपका यहाँ पे एनोड कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, और कैथोड भी कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो कुछ समय बाद जो है क्या होगा, ये जब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो आपकी केमिकल रिएक्शन रुक जाएगी, और केमिकल रिएक्शन रुक गई तो बस आपका ये सेल कैसा हो गया, डेड हो गया, फिर आप इसको दोबारा यूज नहीं कर पाओगे। इस सेल की खास बात ये है कि ये सेल जो है, जब तक इस सेल की लाइफ है, इस सेल की जब तक लाइफ है, ये अपनी लाइफ टाइम जो है वो 1.35 वोल्ट का पोटेंशियल हमको कंटिन्यूअस प्रोवाइड करता रहता है, ये पोटेंशियल कभी भी डिक्रीज नहीं होता। तो ये इस सेल का एडवांटेज है। और चूंकि ये सेल जो है वो बहुत छोटा होता है, तो इस सेल का जो है वो हम यूज कर सकते हैं, घड़ी में कर सकते हैं, जो हमारी रिस्ट वॉचेस होती है वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, और जो हमारे हेयरिंग एड्स होते हैं वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो छोटे छोटे से इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं वहाँ पे हम इन सेल का यूज़ कर